नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, अपन टिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। टिग्नोमेट्री से इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कर रहे थे, आइडेंटिटीज थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और जो भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। कुल मिला के टिग्नोमेट्री का जो बेसिक था वो अपना चल रहा था, ठीक है। और उसी को आज अपन कंटिन्यू करेंगे, थोड़े बहुत फॉर्मूले और देखेंगे। उसके बाद में जो एडवांस आइडेंटिटीज़ है, जो एडवांस फॉर्मूले हैं, वो कल वाली क्लास में देखेंगे। और जो रेशो वाले क्वेश्चन है टिग्नोमेट्री के, वो आज स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो, मैं आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन, इस पे एक आइडेंटिटी और बता देता हूँ। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार से इस पे क्वेश्चन अपन से पूछ सकता है, उसको आपको याद रखना है। कभी कभी क्या करता है, देखो, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी दे देता है, ठीक है। तो देखो, इस वाली में ये होता है अपना परपेंडिकुलर, ये होता है अपना बेस, और ये होता है अपना हाइपोटेनस एच। क्यों होता है, ठीक है। क्यों वाला प्रश्न हमेशा अपने दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ पे अपन क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो वो जल्दी याद होती है अपने को। देखो कैसे, यदि मैं इसमें सी का भाग लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बटे सी साइन थीटा प्लस बी बटे सी कोस थीटा बराबर एक, ठीक है। मैंने दोनों तरफ किससे भाग कर दिया, सी से भाग कर दिया, ठीक है। ये देखो एक कब आता है, जब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये आइडेंटिटीज बन जाती है अपनी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा तो अपने पास है, कमी किसकी है, एक साइन थीटा की कमी है। प्लस कोस थीटा अपने पास है, कमी किसकी है, कोस थीटा की कमी है। बराबर ये क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है। यहां से देखो कंपेरिजन करो आप, ये साइन थीटा की जगह साइन थीटा दे रखा है, ठीक है। लेकिन इस साइन थीटा की जगह क्या दे रखा है, ए बाई सी, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, ए बाई सी हो गई। यहां से देखो कोस थीटा की जगह कोस थीटा है, इस कोस थीटा की जगह बी बाई सी दे रखा है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बाई सी, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ये क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहां से कंपैरिजन करने पे अपने को पता चला कि ए वाली वैल्यू क्या होती है, ये होती है अपनी लंब, बी वाली वैल्यू क्या होती है, आधार, और जो इनके बराबर में सी दे रखा है वो होता है अपना कर्ण। ये वाली वैल्यू आपको सीधे याद रखनी है, क्वेश्चनों में इस वाले कॉन्सेप्ट को अपन अप्लाई करेंगे और अपने प्रश्नों का उत्तर निकालेंगे। इसी प्रकार देखो, अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अब आपको सीधा याद रखना है। ऐसा ही सेक टेन में होता है, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा ए सेक थीटा बी टेन थीटा बराबर सी दिया रहता है अपने को, तो ये वाली वैल्यू होती है हाइपोटेनस एच, कर्ण होती है, और ये वाली वैल्यू लंब होती है, ठीक है, पी, और ये वाली वैल्यू बेस होती है, आधार। ये अपने को दोनों इक्वेशन याद रखनी है। जब साइन ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी देता है तो कैसे होता है, और ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर सी देता है तो ये वाली वैल्यू होती है। ये अपने को क्या रखनी है, याद रखनी है। अब देखो, जो एडवांस फॉर्मूले हैं टिग्नोमेट्री के वो पढ़ने जा रहे हैं अपन। सबसे पहले
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए गुणा कोस बी प्लस कोस ए गुणा साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है। ऐसे ही देखो, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इनका सीधा रट्टा मारना है आपको। ये याद होनी चाहिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे में वन माइनस टेन ए टेन बी। रट्टा मारना है। ठीक है, ये जो दो अपने कल वाली और आज वाली जो क्लासें हैं, ये बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड क्लासें हैं। ठीक है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है अपना टेन ए माइनस टेन बी बटे में वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये अपने टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही देखो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है अपने पास कोट ए कोट बी माइनस वन कोट बी प्लस कोट ए। ये कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है और कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है अपने पास कोट ए कोट बी प्लस का वन बटे में कोट बी माइनस कोट ए। ये कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसका मतलब याद होने चाहिए, सीधा रट्टा मारना है इनको। ठीक है, कितने फॉर्मूले हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः और दो, आठ फॉर्मूले हो गए। ये इन देखो, इन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आता है इनसे। ठीक है, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चनों को क्या करना है, अपने को सोल्व करना है। ठीक है, हालांकि इनसे बहुत भरपूर प्रैक्टिस करेंगे अपने, आप वॉमिटिंग करने लग जाओगे कि सर बहुत है, इतनी प्रैक्टिस बहुत है। ठीक है, वॉमिटिंग वोमेटा जो भी होता है वो करने लग जाओगे आप, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं इनसे। ठीक है, आप देखो साइन टू ए का फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन। साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन टू थीटा मान लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, यदि इसी फॉर्मूले को अपन टेन की टर्म में निकालने चाहिए तो टू टेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोस टू थीटा ये फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। देखो कोस टू थीटा का फॉर्मूला आपको दो तीन टर्म में याद रखना है। अब यहाँ पे देखो मैं इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। मैं आइडेंटिटी बताई थी आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी फॉर्मूले में देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा को किस में चेंज कर दिया? कोस स्क्वायर थीटा में। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाता है अपना टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक फॉर्मूला ये भी होता है कोस टू थीटा का, एक फॉर्मूला ये हो गया। और टेन की टर्म में क्या होता है? वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी एक कोस टू थीटा का क्या होता है? टेन की टर्म में इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ये कोस और साइन टू थीटा की क्या हो गए? फॉर्मूला हो गए। ठीक है, अब देखो टेन टू थीटा का फॉर्मूला देखते हैं अपन। इनको मिटा रहा हूँ मैं, अच्छे से नोट्स बनाने और इनका रट्टा मारना है, इनको याद करना है आपको। टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा बटे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। और कोट टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोट टू थीटा का फॉर्मूला होता है कोट स्क्वायर थीटा माइनस वन बटे टू कोट थीटा। ये कोट टू थीटा का फॉर्मूला होता है। ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देखो आज अपन फॉर्मूले इतने ही करेंगे। हालांकि और भी बेसिक दो चार फॉर्मूले रहे हैं अपने, दो चार क्या पांच सात फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको आगे वाली क्लास में कराऊंगा। आज देखो अपन जो अपने बेसिक चैप्टर है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाले चैप्टर है, उनसे जितने भी प्रीवियस ईयर में और जितने भी क्वेश्चन अच्छे थे वो मैंने शामिल किए हैं शीट में। ठीक है, तो उनको कर लेते हैं। उनके बाद में कल आते ही पहले जो बचे हुए फॉर्मूले हैं वो करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन, पहला प्रश्न, साइन थीटा बराबर दे रखा है चार बटा पांच और अपने से पूछा है फाइंड साइन थीटा प्लस कोस थीटा टेन थीटा माइनस कोट थीटा बटे टेन थीटा माइनस कोट थीटा। अब देखो आपको ट्रिपलेट का भी मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रिपलेट बनते हैं। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? देखो ये बेसिक, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। ये पहली बार लिख रहा हूँ मैं, आगे नहीं लिखूंगा। ठीक है, आपको जो कल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताए थे वो याद होने चाहिए। साइन थीटा, साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसका मतलब क्या हुआ? चार लंब है और पांच कर्ण है। तो तीन चार पांच का ट्रिपलेट नहीं बताया था क्या मैंने आपको? तीन चार पांच ये लंब दे रखा है
और ये क्या दे रखा है, कारण दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तीन चार पाँच में ट्रिपलेट होता है, ठीक है, और ये लंब चार दे रखा है, हाइपोटेनस पाँच दे रखा है, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस अपना तीन हो जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा तो दे ही रखा है चार बटे पाँच, प्लस कोस थीटा क्या होता है, बेस बटे कर्ण तीन बटा पाँच, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है अपना लंब बटा आधार। कोस थीटा क्या होता है, कोट थीटा दे रखा है कि कोस थीटा, कोट थीटा है कोट, ठीक है, कोट थीटा दे रखा है, कोट थीटा क्या होता है तीन बटे चार, ऊपर एलसीएम लेंगे तो सात बटे पाँच, नीचे बारह एलसीएम हो गया तो सोलह प्लस नौ बटे बारह, तो ये कितना हो गया पच्चीस, सात बटे पाँच मल्टीप्लाई बारह बटे पच्चीस, यही होगा। तो यहाँ से ये कितना हो गया, बहत्तर बटे एक सौ पच्चीस, यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। सही किया ना अपन ने, माइनस दे रखा ना, यही तो गलती कर दी अपन ने, ठीक है, ये माइनस दे रखा है। चिन्हों की गलतियां भी हो जाती है, देखो तो ये हो जाएगा 16 माइनस नौ सात हो गया, ये सात बटे पाँच और ये बारह बटे सात, सात से सात कैंसिल हो गया तो बारह बटे पाँच इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। इतना लंबा तो आपको करना ही नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे वैल्यू लिखो और क्वेश्चन को उड़ाओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, साइन थीटा की वैल्यू चार बटे पाँच दे रखी है, तो अपने से पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे टेन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बारह बटे पाँच, और ये फर्स्ट टाइम पहला क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बता दिया है, आगे से ये चीज़ में नहीं बताऊँगा, सीधे आपको निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी, बोला था ना मैंने इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि वॉमिटिंग करने लग जाओगे। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो बेसिक रेशो वाले क्वेश्चन है ना वही देखना, कम से कम 50 से ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, और हर वेरायटी जितना हो सकता है ना जैसे क्वेश्चन बन के आ सकता है उनको मैंने शीट में शामिल करने की कोशिश की है। टेन थीटा बराबर चार बटा तीन दे रखा है, फाइंड साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, इसका मतलब लंब चार हो गया आधार तीन हो गया तो हाइपोटेनस कितना होगा, पाँच होगा, तीन चार पाँच का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण तो चार बटे पाँच, प्लस ये होता है बेस बटे कर्ण तीन बटे पाँच बटे में चार बटे पाँच माइनस तीन बटे पाँच, ऊपर हो गया अपने पास सात बटे पाँच और ये ऊपर चला जाएगा पाँच, ठीक है, और एक पाँच से पाँच कट गया तो सात इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। ऐसे देखो कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, सोचने की क्षमता तेज होनी चाहिए कि किससे क्या कटेगा। देखो मेरे को पता है ये एलसीएम आएगा तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा सात बटा चार माइनस एक, तो सात बटा एक मतलब सात इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। और ट्रिपलेट की नॉलेज भी होनी चाहिए, चार तीन चार पाँच का
ट्रिपलेट सेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन इन क्वेश्चनों की इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि जो मैंने ट्रिपलेट बताए थे आपको याद करने के लिए, वो ट्रिपलेट आपको क्वेश्चनों में ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोट थीटा दे रखा है 3/4, और अपने को फाइंड करना है 3 sin theta + 4 cos theta / 4 sin theta - 3 cos theta, ठीक है। cos theta की वैल्यू 3/4 दे रखी है, अपने को निकालना है 3 sin theta + 4 cos theta / 4 sin theta - 3 cos theta। अब देखो cos theta क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। आधार 3 है, लंब 4 है, तो यहाँ से हाइपोटेनस कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अब sin theta क्या होता है, sin theta होता है अपना लंब बटे, तो 4/, कर्ण कितना है अपना 5, ठीक है, प्लस 4 cos theta होता है अपना 3/5, आधार बटे हाइपोटेनस, 4 × 4/5 - 3 × 3/5, जो भी होगा, ठीक है। एलसीएम लेने पे ये तो कट ही जाएगा, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से 12 + 12 कितना हो गया, 24, और यहाँ से 16 - 9 कितना हो गया, 7, तो 24/7 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, 24/7 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, यदि इन्हीं में दिक्कत हो रही है तो आगे तो फड़फड़ाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan थीटा बराबर a/b, फाइंड sin theta + cos theta / sin theta - cos theta, इसकी वैल्यू पूछिए। tan थीटा अपने को a/b दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, a हो गया अपना परपेंडिकुलर, b हो गया अपना बेस, ठीक है। तो h कितना हो जाएगा, a² + b² का रूट, ये हो जाएगा h। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, a/a² + b² का रूट + b/a² + b² का रूट, बटे में, देखो इनके लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मेरे को पता है नीचे हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कटेगा, माइनस दे रखा ना, माइनस, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेने पे ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट जाएगी, तो a + b / a - b इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। आपको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ऊपर नीचे सेम चीज दे रखी है, ठीक है। तो एलसीएम लेने पे नीचे वाली तो कट ही जाएगी, बचेगा क्या, ऊपर a + b और नीचे a - b, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है अपने से 4/5, फाइंड करना है अपने को
थीटा लिखते लिखते थीटा ही लिखने लग गए मैं, ठीक है। फाइंड 3 sin थीटा sin थीटा प्लस 5 cos थीटा sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये वाली वैल्यू अपने से पूछी। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 दे रखी है और अपने से ये वैल्यू पूछी है, तो कैसे निकालेंगे? देखो लंब बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 3, बेस कितना हो गया 3 हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपोटेनस 5 हो गया। तो यहाँ से देखो, अब देखो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे को पता है ऊपर नीचे चीज़ क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। नीचे वाला जो भी होगा एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैं सीधा लिखूँगा साइन थीटा 3 × 4 प्लस 5, बेस कितना है 3/5 × 4 माइनस 3 × 3, ऊपर कितना हो गया 12 और 15 कितना हो गया 27, ठीक है, और नीचे में कितना हो गया 20 × 9 = 11, यही आंसर है। सीधे उड़ाएंगे क्वेश्चनों को, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को पता है ऊपर नीचे सेम दे रखा है, जो भी एलसीएम लेंगे नीचे जो भी आएगा वो कट जाएगा, केवल ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है। साइन थीटा में ऊपर क्या आता है, परपेंडिकुलर लंब आता है, कॉस थीटा में बेस आता है, तो सीधे इन्हीं को लिखो और क्वेश्चन को उड़ाओ, ठीक है, कोई दिक्कत? ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, भरपूर प्रैक्टिस करेंगे इनकी, उसी के बाद में आगे वाला चैप्टर करेंगे और इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने नोट्स उठाने और उनका रिवीजन करना है। टेन थीटा 4/3 फाइंड 1 sin θ cos θ वन प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये अपने को फाइंड करना है। टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3, फाइंड 1 sin θ + cos θ, 1 sin θ - cos θ। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मेरा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5, 3, 4, 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, तो 1 sin θ क्या होता है 4/5 प्लस 3/5 बटे में 1 + 4/5 माइनस 3/5, ठीक है। 5 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पे ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे होगा 5 + 4 + 3 और नीचे हो जाएगा 5 + 4 - 3, ठीक है। ऊपर हो गया अपना 12, नीचे हो गया अपना 6, कट पिट के आंसर 2 होगा अपना। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना है 2, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे चलें। अब देखो सेक थीटा 5/3 दे रखा है 5/3 फाइंड करना है 2 + 3 sin θ 2 + 3 sin θ प्लस कोस थीटा 2 - 3 sin θ प्लस 4 cos θ, ये वाली वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देखो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बटा
बेस, ठीक है, इसका मतलब मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रख देते हैं अपन वैल्यू, 2 + 3 गुने में 4/5 प्लस 3/5 बटा 2 - 3 × 4/5 प्लस 4 × 3/5। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे ये कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, प्लस ये 12 हो गया, प्लस ये 3 हो गया, ठीक है। नीचे में देखो ये 10 हो गया, 10 माइनस ये कितना हो गया 12, प्लस ये कितना हो गया 12, तो ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर अपना कितना हो गया 25, और 25/10 इसका मतलब 2.5 इस क्वेश्चन का आंसर है। किसी को तकलीफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, सीधे क्वेश्चन वैल्यू रखेंगे और उत्तर निकालेंगे। नेक्स्ट देखो, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, ठीक है। इससे आगे फिर कल करेंगे अपन, अपने हो गए 7 क्वेश्चन हो गए। टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है ए बाई बी, फाइंड करना है अपने को ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले कर लिया है, लेकिन इसमें और उस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है, यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास एक होता है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आई थी अपने ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, तो इस वाले की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो, देख लेते हैं, टेन थीटा ए बटा बी दे रखा है अपने को, अपने को पता है यहाँ से अपन हाइपोटेनस निकालेंगे, एलसीएम लेने पे वो कटेगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस हो गया, तो मैं सीधे केवल ऊपर वाली वैल्यू लिखूंगा, नीचे वाली वैल्यूज नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि एलसीएम लेने पे वो क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगी, तो ए गुणा परपेंडिकुलर ए प्लस बी गुणा बेस बी, ए गुणा ए माइनस बी गुणा बी, तो हो गया ना वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। देखो, इसमें हाइपोटेनस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, ठीक है, और ऐसी ही कैलकुलेशन और ऐसी ही अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को करें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टेन थीटा की वैल्यू, हर प्रकार का क्वेश्चन और इतने क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे वॉमिटिंग होने लग जाएगी। फाइंड 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को किस देखो किस प्रकार से करेंगे, ट्रिपलेट है, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेने पे हाइपोटेनस कट जाएगा, हालांकि इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधी वैल्यूज रखेंगे और क्वेश्चन को उड़ाएंगे, 3 × 3 प्लस 2 × 4 बटे में
3 × 3 −2 × 4, ठीक है। 9 और 8 कितना हो गया 17, और 9 में से 8 गया तो 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 17, और यही अपना सही आंसर होगा, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, टेन थीटा की वैल्यू 3/4 दे रखी है, ठीक है। फाइंड करना है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया, फाइंड सेक थीटा, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं अपनी मन से नहीं करवा रहा हूँ, ये CGL 2013 में प्री के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि ये पैटर्न बंद हो गया है, बंद तो क्या हो गया, क्वेश्चन तो इस पैटर्न पे बनते हैं, लेकिन ऐसे इतने बेसिक क्वेश्चन आने बंद हो गए, ठीक है। ये 2013 का बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से देखो शेक थीटा क्या होना चाहिए, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है, तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने 5/4, यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।